नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से एक और क्लास लेके लाइव हो चुका हूं। आपको बता दूं ये पांचवें नंबर की क्लास है, इससे पहले चार क्लासें मैं डाल चुका हूं। आपने वो अभी तक जाके नहीं देखी है तो वो भी जरूर चेक कर लेना, इसी चैनल के ऊपर है। आपको बता दूं दोस्तों, मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, जिनमें से 4 साल मैंने जो है अनअकैडमी के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है। और इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी होने वाली है सबसे खास, सबसे बेहतरीन। तो आप बस मेरे साथ जुड़ जाइए, सिलेक्शन की गारंटी मेरी तरफ से है। आप चिंता छोड़े और तैयारी शुरू करें अभी से। लीजिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में राष्ट्रपति अस्पष्ट बहुमत कारण शासन कब लगाया गया, यानी कि राजस्थान में जो है चुनाव में अस्पष्ट बहुमत मिला था, इसी के कारण यहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो वह कब लगा था? कब लगा था? 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है हमारे राजस्थान में, वो भी अस्पष्ट बहुमत के कारण। उस समय यहाँ के राज्यपाल महोदय कौन थे? संपूर्णानंद थे, संपूर्णानंद सिंह थे, जो कि 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा मित्रों? तो 1977 में दूसरी बार, फिर कब लगा? फिर 1980 में लगा तीसरी बार, फिर लगा 1992 में। इस प्रकार तीन बार जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब राज्यपाल थे संपूर्णानंद सिंह, दूसरी बार राष्ट्रपति 1977 में लगता है तब राज्यपाल थे विजय पाल त्यागी, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1980 में तब राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1992 में एम चन्ना रेड्डी। ये भी क्वेश्चन आता है कि अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो कि 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा? तो 67, 77, 80, 92, तो ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। नंबर भी तो याद रखते हो, किसी ने किसी आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह की या किसी के भी नंबर तो रखते होंगे याद, तो ऐसे याद रखो 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92, तो नंबर याद रख लो कि 8 नंबरों के 8 अंकों के कोई नंबर होने लग गया आजकल इस जमाने में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का क्या नाम है? मेवाड़ राजघराने के जो अंत्येष्टि स्थल है उसका क्या नाम है? तो नाम हो जाएगा महासत्य। क्या हो जाएगा? महासत्य नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो वरिक वंश ने शासन किया था बयाना पर। कहां पर? बयाना, भरतपुर पर। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल मृदा पाई जाती है आपके पश्चिमी राजस्थान, जो रेतीला राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है वहां पर दोस्तों एंटीसोल, और एक और पाई जाती है एरिडोसोल। कौन सी? एंटीसोल और एरिडोसोल, दो प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, आप सभी लोग, लोक देवता दे रखा है और जन्म स्थान आप लोगों को दे रखा है, तो सुमेलित कर दो फटाफट। लीजिए, गोगा जी का जन्म स्थान आपका क्या हो जाएगा? ददरेवा। क्या होगा? ददरेवा। तो एक से ही सीधा आंसर आ जाएगा, एक का दो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अपना उपचार सीधा हो जाएगा एक का दो। फिर आपको पापू जी का स्थान आपको बताया कोल्लू है, उसके अलावा हड़बू जी का कौन सा हो जाएगा? भंडोल हो जाएगा, फत्ता जी का साधु। इस प्रकार बिल्कुल सिंपल सा का आंसर हो जाएगा, गोगा जी ददरेवा आपको बताया चूरू में, पापू जी कोलू जोधपुर में, हड़बू जी बुडेल नागौर में, फत्ता जी सातु गांव जालौर में। ठीक है, बिल्कुल। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? जवाब होगा जयपुर में। किस में किया गया है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो आपको जनवरी 2022 को छोड़ दो, आप तो याद रखो कि केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? कब किया गया था ऐसा क्वेश्चन आया, तो जनवरी 2022 में किया गया था। कौन से जिले में किया गया था? तो ये जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़ में। कहां से? प्रतापगढ़ से। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। कहाँ किया जाएगा?
जयपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कनफट्टे जोगी। कनफट्टे जोगी जो कि डमरू सारंगी वादी यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं, आपको बताना है। कनफट्टे जोगी हो गए जो कि डमरू और सारंगी वादी यंत्रों के साथ कौन सी देवी के गीत गाते हैं, तो वो गाते हैं जीर्ण माता के। किस माता के गीत गाते हैं, जीर्ण माता जो कि सीकर में है, उन माता जी के गीत गाते हैं। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है, सीकर में। अगला प्रश्न ये रहा पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है, मतलब 2022 में दोस्तों पद्म पुरस्कार मिला तो उनसे संबंधित आपको बताएं। दोस्तों पद्म पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोगों को मिला है, उनकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है, जो भी मिले ना मैं उनका आपको सारा का सारा मामला बता दूंगा, ठीक है, बस चिंता मत करो आप, बस मेरे साथ जुड़े रहो। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कि राजस्थान से संबंधित थे, और एक की तो अभी हाल में मृत्यु भी हो गई जिनको मिला था, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको क्या क्या है ना, और एक कला भी है जो भीलवाड़ा के हैं, कौन है वो सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, बस आप बने रहो मेरे साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम में बताना है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम है ना कि घटता हुआ क्रम में बताना है, ज़्यादा से कम की तरफ, चलो बताओ फटाफट जवाब देगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में, तो इस प्रकार ये घटता हुआ क्रम है। अगला प्रश्न नदी दे रखा है और इधर संबंधित जिला जो कि सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, सुमेलित नहीं हो बताना है। दाई नदी, दाई या डाई बोलते हैं इसको, दाई नदी अजमेर, बाणगंगा आपको बताया जयपुर, काकड़ी नदी जैसलमेर, और वात्रक आपके बांसवाड़ा, ये गलत है, क्या है वात्रक बांसवाड़ा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक स्थल कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं बेराट यानी कि विराट नगर से। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं, बेराट विराट नगर से। अगला प्रश्न मित्रों कौन सा पशु मेला और जिला सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा पशु मेला है और जो जिले से सुमेलित नहीं है, चलो बताओ। रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है, रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है, नागौर में। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, बताओ और फटाफट। शिवरात्रि पशु मेला क्या सवाई माधोपुर में लगता है, नहीं दोस्तों कहाँ लगता है, करौली में, कहाँ लगता है करौली में, तो ये अपना सही होगा। गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में, नौर हनुमानगढ़ में लगता है गोगा मेड़ी जी का मेला, तो ये भी आप लोग याद करिएगा। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। आकल काष्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है, आकल काष्ट जीवाश्म उद्यान या आकल पोशिल पार्क कहाँ पर है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए जैसलमेर में, कहाँ है जैसलमेर में है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ, मतलब बिशलपुर जो बांध है अभी केकड़ी जिले में पड़ने लग गया है ये बिशलपुर बांध, तो ये दोस्तों आपको बताना है कि इसका निर्माण कब पूरा हो गया था, तो इसका निर्माण 1999 के समय में पूरा हो गया था बिशलपुर बांध का निर्माण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्य सभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ, तो राज्यसभा चुनाव हुए थे 2022 में उसमें निर्वाचित नहीं हुए थे वह आपको बताना है, तो श्री सुभाष चंद्रा जो है क्या इसमें निर्वाचित नहीं हुए थे, घनश्याम तिवाड़ी हुए थे, प्रमोद कुमार हुए थे, मुकुल बादकृष्ण भी हुए थे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सुमेलित नहीं है, तो आपको सुमेलित नहीं है वो आंसर आपको बताना है, तो मीठालाल व्यास का संबंध है जैसलमेर से, इसको जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखो कि जैसलमेर के लोग चार पांच क्या है मीठे बोल बोलते हैं, कहाँ पर आकर के जोधपुर में आकर के, तो इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी, कौन ने की थी, मीठालाल व्यास ने की थी, कब की थी, तो चार पांच मतलब 1945 में की थी, तो ऐसे याद रखोगे तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बताया किशन लाल जोशी का संबंध भरतपुर से है, मैं कल जो क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने उसमें भी बताया था। पंडित हरिनारायण शर्मा जो कि भगवान हरिनारायण किस हरि मतलब हरि को कौन वर नहीं बनाना चाहेगी महिला, तो हरि क्या है वर है, किसी महिला के क्या है वर है, हरि क्या है वर है, तो आपको याद रखना है कि हरिनारायण अलवर,
ठीक है ना। तो बस भूपेंद्र त्रिवेदी का संबंध कोटा से नहीं है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ताड़ना मोरबंदिया विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति से जनजाति में प्रचलित है, बताओ। ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है, तो ताड़ना मोरबंदिया जो ये शादी विवाह की रस्में हैं ये किस में प्रचलित है, जल्दी से एक जवाब दे दो फटाफट। तो ये हो जाएगा गरासिया जनजाति में, किस में है प्रचलित, गरासिया जनजाति में। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति समिति के अध्यक्ष है, तो कौन है, तो अनिता बदेल। दोस्तों मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, फटाफट कमेंट कर दो। आप इस क्वेश्चन को याद मत करना ना, मैं इसमें नया डाटा आ गया है वो बताऊंगा, ठीक है। आप फटाफट से इस वीडियो को शेयर करो पहले तो फटाफट, ठीक है ना, कर दो फटाफट। ऐसे भी छोड़ दो, हाँ ये याद रखो। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। दोस्तों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूं, मैं ज्यादा आपको बिना वजह ज्यादा याद करवाने की कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं, केवल जो आपके एग्जाम में आएगा उसके ऊपर। तो क्या हो जाएगा, प्रताप सिंह, क्या हो जाएगा, प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था, तो क्या हो जाएगा, किशोरी देवी। कल जो मैंने चौथे नंबर की क्लास करवाई थी आपको, उसमें भी करवाया था कि नहीं करवाया था कि हजारों महिलाएं जो है इकट्ठी हुई थी, पता है ना मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन, याद होगा आपने कल पढ़ा होगा, तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को याद है। अगला प्रश्न, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी, तो बताइए, जवाब हो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड ने, तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी 1857 में, किसने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। बूंदी स्थित रंगमहल जो कि सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था, तो बूंदी में दोस्तों एक रंगमहल है बहुत ही ज्यादा सुंदर चित्रों से सजा हुआ है सुसज्जित है, किसने निर्माण करवाया था, तो राव छत्रसाल के द्वारा निर्माण करवाया गया था बूंदी रंगमहल का। अगला प्रश्न, पूर्व से पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं गुजरता है, तो पूर्व से पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है, तो झालावाड़ से नहीं गुजरता है, बूंदी से गुजरता है, कोटा से, बारा से गुजरता है, परंतु झालावाड़ में नहीं गुजरता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों शहरी क्षेत्रों में हेतु शुरू किया गया है, बताओ। ई मित्र एट होम योजना को किन जिलों में शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है, तो कहां पर किया गया, जोधपुर जयपुर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादक कहां होता है, तो राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना में, कहां पर, डेगाना में टंगस्टन का उत्पादन होता है, और ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। और टंगस्टन का अयस्क क्या होता है, साइंस में यदि क्वेश्चन आ जाए तो टंगस्टन का अयस्क होता है वुल्फ्रेमाइट, क्या होता है, वुल्फ्रेमाइट, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। टंगस्टन विकास निगम कहाँ है, आपसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान में इसका उत्पादक राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम कहाँ पर है, जयपुर में है, तो याद रखना टंगस्टन उत्पादक डेगाना बांकरी, डेगाना बांकरी नागौर में होता है। उसके अलावा और भी जगह है कुछ कुछ, जैसे कि रेवत की पहाड़ी नागौर है, सिरोही में होता है और पाली में भी होता है कुछ जगह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा थी, प्रथम महिला राज्यसभा थी शारदा भार्गव, कौन थी, शारदा भार्गव। अगला प्रश्न, श्रीलाल जोशी का संबंध है, श्रीलाल जोशी का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, फड़ चित्रण से, श्रीलाल जोशी का संबंध है फड़ चित्रण से, और इनका संबंध कहाँ से है, शाहपुरा से, शाहपुरा जो जिला है ना वहाँ से संबंधित है इनका, पहले भीलवाड़ा में पढ़ता था शाहपुरा, अब शाहपुरा नया जिला बन गया। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है, तो मोतीलाल तेजावत जी से इनका संबंध है, किससे संबंधित है, मोतीलाल तेजावत जी से इनका संबंध है। मुगल सम्राट शाहजहां
के समय से ही प्रसिद्ध नहार नृत्य का आयोजन की परंपरा चली आ रही है। नहार नृत्य की परंपरा चली आ रही है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, नए क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, नए जिले जो बन गए हैं वह अभी जो पुराने जिले बने हैं, पुराने जिले चले आ रहे हैं कहीं सालों से, वही क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, नए जिले का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसलिए आप कई नए जिलों में उलझ कर ना रह जाओ। और नए जिले की भी यदि कोई समस्या होगी मैं आपको वो भी करवा दूंगा, चिंता मत करो आप लोग। अगला प्रश्न, मक्का राजस्थान के किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का राजस्थान के किस जनजाति का मुख्य भोजन है? जवाब हो जाएगा भील का। मक्का राजस्थान के किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो भील जनजाति का। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, बिल्कुल। राजस्थान में जुमिंग खेती को वालरा कहते हैं, जुमिंग खेती को वालरा कहते हैं। राजस्थान में आद्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, दक्षिण पूर्व में की जाती है, बिल्कुल। राजस्थान ने 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, गलत। 14 में कहाँ बांट दिया है, 10 में तो बांटा है। कितने में बांटा है? 10 में बांटा है, याद रखो ये भी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सुमेलित करो इनमें से कौन सा सही है कि गलत है, बताया था ना? हाँ बिल्कुल। तो करौली में भरता है शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि पशु मेला भरता है करौली में, ये भी याद कर लो आप, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। अगला प्रश्न, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो फूल डॉल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में आती है, अभी मनाया गया था, फूल डॉल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में मनाते हैं, गणगौर का मनाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, फूल डॉल तो कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, याद रखो, फूल डॉल तो कृष्ण प्रतिपदा को मनाते हैं, जबकि गणगौर मनाते हैं शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और उप छठ बताते हैं बाद बाकी कृष्ण षष्ठ की, कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, जबकि गुड़ला त्यौहार यहाँ गलत लिख रखा है, याद रख लो। गुड़ला त्यौहार कब मनाते हैं मित्रों? श्रावण में नहीं मनाते हैं, गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है चैत्र माह की कृष्ण पक्ष, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गुड़ला त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न, लोक देवता दे रखा है और मुख्य तीर्थ स्थल को आपको जो असंगत है वो बताना है, मुख्य लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल जो असंगत है वो बता दो आप। तो देखो पापू जी कोलू गांव फलोदी मैंने अभी बताया था, देव नारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में हैं, तेजा जी का प्रसिद्ध मंदिर है नागौर में, मेला भी बढ़ता है यहाँ, तल्ली नाथ जी कत्रियासर बीकानेर से, इनका संबंध नहीं है, तल्ली नाथ जी का संबंध है जालौर से, भी कत्रियासर से नहीं है, तल्ली नाथ जी का संबंध है जालौर से, कहाँ? जालौर से। चलो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध है, तो राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध है किससे? तो सारंगी वादक है, ये क्या है? सारंगी वादक है राम नारायण तथा सुल्तान खां। आज का अंतिम प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां हुआ था? तो 7वां अधिवेशन कहां हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, बताइएगा। जवाब हो जाएगा उदयपुर में, कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की क्लास में मैंने आपको करवा दिए हैं, आशा करता हूं आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों आपको कोई भी जो है स्टेटस लगा रहे हो मेरी वीडियो का, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने स्टेटस लगाया, तो आप मेरे मोबाइल नंबर स्टेटस वगैरह लगाया करो, तो मुझे भी दिखे, पता चले कि हाँ, आप मैसेज कर दिया करो, फिर मैं आपके नंबर सेव कर लूँगा, फिर मुझे भेज दिया करो कि सर हमने स्टेटस लगा दिया है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, मैं भी आप लोगों को और भी हेल्प करूँगा। बहुत बढ़िया बढ़िया, आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करोगे मैं आप लोगों की उतनी मदद करूँगा, सिलेक्शन की गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? बस मेरे साथ पढ़ाई करो। 82 90 37 23 59, तो कोई मेरे पास PDF वगैरह होगी, कोई नोट्स वगैरह होंगे अच्छे अच्छे, तो फिर मैं आप लोगों को लगातार भेजता रहूँगा। बस आप नंबर, ये नंबर सेव कर लो और आपके पास रख लो, कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है कभी भविष्य में, तो आप मुझे याद कर लिया करो, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना मित्रों, ठीक है? तो क्योंकि भविष्य में कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को, ठीक है मित्रों? मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, कल फिर से मुलाकात करेंगे 8 बजे। धन्यवाद मित्रों।